मैं डॉक्टर सी एल माहवर, निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के निबंधों के भाषा एवं शैली के बारे में बताने जा रहा हूँ। बीए सेकेंडरी के छात्राओं को ध्यान से सुने। बालकृष्ण भट्ट के निबंध बड़े साहित्यिक निबंध थे और उनकी जो शैली थी बहुत ही सरल और सुबोध शैली थी। इनका निबंध साहित्य अपने आप में अनुपम तथा बेजोड़ है। एक और अत्यंत असाधारण एवं विचित्र विषयों पर साहित्यिक निबंध लिखे हैं, वहीं दूसरी ओर समसामयिक विषयों पर अत्यंत गंभीर शिक्षाप्रद विचारात्मक निबंधों का प्रणयन भी किया है। क्योंकि जो उन्होंने निबंध लिखे हैं वो निबंध बहुत ही समसामयिक विषयों पर लिखे हैं जो कि उस समय के थे, आवश्यक थे और उस समय की मांग थी। उस आधार पर बालकृष्ण भट्ट ने उन विषयों को चुना जिनके विषय बड़े गंभीर थे, शिक्षाप्रद भी थे और विचारणीय थे। ऐसे विषयों को लेकर के इन्होंने अपने निबंध लिखे। जो निबंध थे वो निबंध भी एक साधारण निबंध थे बल्कि एक अच्छे, एक उच्च कोटि के निबंध थे। उनकी गद्य शैली सरल और सुबोध होने के साथ साथ बोलचाल के अत्यंत निकट होने के कारण लोकप्रिय रही। जब इनकी शैली की जब बात करते हम तो शैली इनकी बड़ी सरल थी, सुबोध थी और साथ ही अत्यधिक बोलचाल के निकट होने के कारण इनके निबंध बड़े लोकप्रिय रहे। क्योंकि बालकृष्ण भट्ट बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, निबंधों के साथ इन्होंने आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक तथा कविता भी लिखी है। हम यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी के भाषा सौष्ठव के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके भाषा सौष्ठव के बारे में देखिए ध्यान से। भाषा सौष्ठव, भाषा की जब बात करते हैं तो भट्ट जी को संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था और अच्छे विद्वान थे और साथ ही इन्होंने हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी उनका संपादन भी इन्होंने किया था और उसके माध्यम से इन्होंने हिंदी का उन्नयन किया था। हिंदी प्रदीप के माध्यम से हिंदी के उन्नयन का कार्य किया इन्होंने, भट्ट जी जो साहित्यिक पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, और हिंदी प्रदीप की जो संपादक का कार्य किया जब इन्होंने, तो उसके अंतर इन्होंने हिंदी को एक अच्छी हिंदी बनाने का कार्य किया, हिंदी को एक संश्लिष्ट, सुबोध एम अच्छी हिंदी बनाने का कार्य इन्होंने हिंदी प्रदीप के माध्यम से किया। इसी से हिंदी गद्य को समृद्ध और समुन्नत बनाने के लिए अरबी और फारसी एवं अंग्रेजी का लोक प्रचलित शब्दों को भी उन्होंने सुजित किया, क्योंकि हिंदी गद्य को और भी ज़्यादा अच्छी बने और ज़्यादा सुफाट्य बने और ज़्यादा रुचिकर बने, सरल हो, लोगों को समझने में आसानी रहे। अतः इन्होंने हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए हिंदी संस्कृत के साथ में विदेशी जो भाषाएं थी अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी, इनके भी जो लोक प्रचलित शब्द थे उन शब्दों को लेने से नहीं छूटे।
जहाँ पर जो शब्द उपयुक्त लगा उस शब्द का उन्होंने प्रयोग कर लिया। इसलिए उनके निबंध सरल और सहज एवं सुफाटी भाषा के अंदर मिलते हैं। तो ऐसी थी भट्ट साहब की भाषा। दूसरी तरफ हम शैली की जब बात करते हैं तो शैली के अंतर्गत उन्होंने अपनी व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है। उनका प्रत्येक वाक्य उनके हसमुख स्वभाव का परिचय देता है, हुआ दिखाई देता है। उनकी शैली की विशेषताएं निम्नानुसार। क्योंकि भट्ट जी ने जो निबंध लिखे हैं उन निबंधों के अंतर्गत उनकी जो भाषा है, उनका व्यक्तित्व है, वो निखरता हुआ नजर आता। और जो उनकी शैली की जो विशेषताएं हैं वो निम्नानुसार हैं। सबसे पहले आते हैं नंबर एक, चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली में उनके लिखित निबंध घटना विषय या व्यक्तित्व का चित्र सा उपस्थित करने में पूर्णतया सक्षम दिखाई पड़ते हैं। जब उन्होंने निबंध लिखा उस निबंध की जो शैली थी, जो भाषा थी, उस भाषा में जो विषय थे, घटना थी, घटना का वो विषय को इस रूप में उन्होंने भाषा में लिपिबद्ध किया और उसका चित्र सा बन जाता है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया अक वह है विषय और घटना मानस पटल पर पढ़ने और सुनने वाले के ऊपर चित्र बन जाता है, चित्र सा खड़ा कर देता है। तो ऐसी उनकी चित्रात्मक शैली थी। नंबर दो, वर्णनात्मक शैली। इस शैली में लेखक ने सरल व्यवहारिक भाषा और सरल वाक्य रचना के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट और सटीक प्रस्तुत किया। क्योंकि वर्णन में किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है, किस चीज़ को विस्तृत रूप से समझाई जाती है, बताई जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि उस शैली का प्रयोग ऐसे सरल तरीके से, ऐसे व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया, ऐसे सरल वाक्यों का प्रयोग किया जिससे कि एक साधारण व्यक्ति भी, एक मध्यम व्यक्ति भी भाषा के बारे में समझता है तो उसको स्पष्ट बात समझ में आ जाए और भाषा इनकी बड़ी सटीक थी। इसलिए इनके जो निबंध थे वर्णन शैली में भी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया उनका और बड़ी सरल और सहज भाषा थी, व्यवहारिक भाषा थी। इस कारण से उनके निबंध स्पष्ट एवं सटीक दिखाई देते। नंबर तीन, विवेचनात्मक शैली। अपने विचारात्मक निबंधों में इस शैली का प्रयोग किया। बुद्धि तत्व की प्रधानता एवं व्याकरण रचना सुसंबंधित होती है। क्योंकि जो इनके विवेचनात्मक निबंध थे या विचारात्मक निबंध थे उन निबंधों की जो भाषा थी उस भाषा में जो शैली का प्रयोग किया बड़ा बुद्धि तत्व का, यानी बड़ी अपनी बुद्धि से, बड़े उनके सवाल जवाब, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ में उनके वाक्य की रचना की और बड़े शुद्ध तरीके से, बड़े प्रबुद्ध तरीके से उनका विवेचन करते हुए अपने निबंधों को लिखा। क्योंकि उनके निबंधों की जो शैली थी विवेचनात्मक बड़ी बुद्धि प्रधान थी, बड़े बौद्धिक थी और उनकी प्रधानता के कारण उनके वाक्य भी उनके ऊपर खरी उतरते थे। नंबर चार, व्यंग प्रधान शैली। इस शैली में भट्ट जी के व्यक्तित्व की छाप है। अपने हास्य व्यंग के द्वारा सामाजिक रूढ़ियों एवं विपरीत जड़ परिस्थितियों को पर प्रहार किया। क्योंकि व्यंग एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको अच्छा ज्ञान है, जो उसके बारे में अच्छे से समझता है, वह व्यक्ति ही हास्य व्यंग प्रधान शैली का प्रयोग कर सकता है। अतः भट्ट जी का जो व्यक्तित्व के छाप हम देखते हैं तो हास्य व्यंग के द्वारा समाज में जो फैली रूढ़ियाँ थी, जड़ परिस्थितियाँ थी, उनके ऊपर उन्होंने प्रहार किया। जैसे कि देखा जाए तो उनके जो निबंध थे, निबंधों में हास्य के माध्यम से
ऐसे व्यंग किए, अगर छोटी छोटी बातों को हंसते हुए व्यंग प्रहार करते हुए सामाजिक रूढ़ियाती जाति पाति छुआछूत भेदभाव बाल विवाह ऐसे जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी चली आ रही थी, उन रूढ़ियों को अपने इस हास्य व्यंग के माध्यम से जो समाज में जड़ कर गई थी परिस्थितियाँ, उनके ऊपर उन्होंने ऐसे प्रहार किए कि उसको पढ़ने से उनको सुनने से लोग समझने लगे कि ये क्या कह रहे हैं या क्या समझाना चाह रहे हैं और किस विषय पर कहना चाह रहे हैं और हंसते हंसते अपनी बात को कह रहे हैं। तो लोग वक्त समझ जाते थे कि यह है हमारी कमी है और इस कमी के बारे में हमको हंसते हुए व्यंग करते हुए हमें बतला रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यंग शैली के प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य में किया, अपने छोटे निबंधों में किया। नंबर 5 प्रलाप एवं आवेक्षण। भट्ट जी द्वारा रचित भावात्मक निबंधों में प्रलाप एवं आवेग शैली के दर्शन होते हैं। भट्ट जी के जब शैली की जब बात करते हैं तो प्रलाप एवं आवेग जहाँ पर करुणा संवेदनाएं भावात्मकता जहाँ पर आती है तो वहाँ पर बड़ा प्रलाप करुणा क्रंदन ऐसे शब्द ऐसे वाक्य ऐसे चित्र से इनके शैली में ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो भावात्मकता है भावात्मकता के अंतर्गत जो निबंधों में जो प्रलाप या आवेग आते हैं उन आवेगों को उन्होंने उस शब्दों उस वाक्यों में अभिव्यक्त किया जिससे कि वो निबंधों में प्रलाप जैसे या आवेग जैसे प्रतीत होते हैं। और किस प्रकार से कोई प्रलाप कर रहा है या क्रंदन कर रहा है या कोई आवेग के अंदर क्रोध में कुछ और काम कर रहा है, वो सारे के सारे वाक्य भाषा शब्द हमें इनके प्रलाप एवं आवेग शैली में मिलता है। 6 उद्धरण शैली। इस शैली में भी निबंधकार ने अपने निबंधों की रचना करके अपनी मनोवृत्ति का परिचय दिया, यानी उन्होंने हमारे इतिहास से पुराण से और समसामयिक तरीके से उद्धरण हैं उनको प्रस्तुत किया, उद्धरण दे दे करके बताया कि देखिए आप ऐसा करोगे तो इस प्रकार से होगा। उद्धरण शैली के माध्यम से जो लोगों को समझने का तरीका था समझाने का तरीका था सरल था, सहज था कि देखो आपने उसमें देखो कि उसमें कैसे किया था और उसका क्या परिणाम निकला, तो आप भी सचेत रहें कि आप ऐसा ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी ऐसा करना आपके साथ में ऐसा होगा आपको भी ऐसे करने पर मजबूर हो जाओगे, अतः आप इससे बचें। तो उन्होंने इनके जो निबंध शैली थी उसमें उद्धरण शैली का प्रयोग भी किया और उस शैली का प्रयोग सटीक था सरल था सहज था। इस प्रकार से हम देखते हैं आगे बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध थे उनकी भाषा थी उनकी शैली थी, भाषा शैली में बड़े स्पष्ट सटीक एवं सुबोध सरल थी। हिंदी संस्कृत के अलावा विदेशी भाषा अरबी फारसी का भी प्रयोग था जहाँ पर आवश्यकता थी उनका प्रयोग किया और शैली में इनकी विभिन्न प्रकार की शैली का पूर्ण सरलता के साथ में सहज तरीके से जो परिचय दिया बड़ा महत्वपूर्ण था।